इटली के आश्रम में पीछे गर्मियों में जब माता मिली आई तो हम सब लोग इकट्ठे बैठ के हमने अभ्यास किया। अभ्यास के बाद में माता मिली ने हमसे पूछा कि क्या हमारा अभ्यास अच्छा रहा या बुरा रहा। तो उस समय मैं मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने अपने अभ्यास के अंदर जो तजर्बा किया वो इस किस्म का था। मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ पर बहुत सारे और भी लोग थे जो बहुत दुखी थे, बड़ी ऊंची ऊंची सांसें ले रहे थे और बहुत ही परेशान बहुत दुखी थे, और मेरे ख्याल से वो नर्क जैसी कोई जगह थी। तो मैं ये नहीं बता सकी कि क्या वो मेरा अच्छा अभ्यास था या बुरा अभ्यास था, क्या वो अच्छा अभ्यास था या बुरा। हाँ भाई, आम तौर देते दसिया जाता है कि यह जो सवाल जब इंटरव्यू के आने उदो ही पुछो अपने अभ्यास बारे, और इतने च पुछना जवाब देना मुनासिब नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई सेवक संत मत में नाम लेवा है, वो एक गुरु को छोड़ के दूसरे संत मत के गुरु के पास जाता है, तो कौन सा गुरु उसके लिए जिम्मेदार होगा? देख भी बात बड़ी है, सोचन और समझन दी है। गुरु हमेशा जिम्मेवार पूरा ही हुंदा है, जेड़ा अधूरा है उदी कादी जिम्मेवारी है, वो तो मन इंद्रिया का गुलाम है। उस दे मतलक महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी, अंधा गुरु अंधा चेला नरका नरकी तक मत केला। वो नरकां च जाण दा जिम्मेवार तां है, लेकिन आत्मा नूं सांभण दा जिम्मेवार नहीं। ये बड़ी एक सोचण समझण दी गल है। अगर तां असीं पूरे गुरुआं नूं छड के अधूरे दे पास जाने हैं तो बहुत वड्डा आपदी आत्मा नाल घात कर रहे हुंदे हैं। अगर असीं अधूरे नूं छड के किसी पूरे संत कोले जाने हैं तो अपनी आत्मा तो बहुत वड्डा पापां दा बोझा ला रहे हुंदे हैं। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ, काचे गुर को छोड़ो ये भी पाप कटा। ये आपके भजनों के बारे में है। आपने अपने भजन में कई दफा अपने आप को गरीब अजायब दुखी अजायब इस तरह के इस तरीके से अपने आप को बयान किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक पूरे गुरु को पूरे महात्मा को अपने आप को इस तरह से बयान करना चाहिए उस हालत में जो कि बाकी सब लोगों की हालत तुसी किसे भी पहुंचे हुए महात्मा दी शब्द लिखे पढ़ के देखो, उदे विच निम्रता ही टिप टपकदी होएगी, और अपने आप नूं दास गरीब दुखिया ही बयान कीता हुंदा है। उन्हूं पता है कि मेरी जिंदगी नूं बनाउण वाला मेरा गुरु है, गुरु मेरा सुचा सी सच्चा सी, उसने ही मैनू सच्चा सुचा बनाया है। तो अपने आप नूं वो क्रेडिट नहीं लैंदा गा, हमेशा वो अपने आप नूं भुल के अपने गुरु नूं ही वडियाई दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे है, बुरा देखण मैं गया बुरा ना मिलिया को, जब देखिया दिल अपना मुझसे बुरा ना को। एदा मतलब ए नहीं कि कबीर साहब बुरे सन, वो तो परम संत कुल मालिक सन, लेकिन एदे विचों उन्हां दी निम्रता टपकदी है। संत तुर ताम सतखंड दे विच पहुंच के भी ही दम नहीं मार देगे। गुरु नानक ने कहा है, नानक गरीब ढह पिया द्वारे मेल लियो वडियाई। भाई गुरदास बड़े कमाई वाले सन, वो कहिंदे आ, हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ बेमुख मंदा। ये नहीं कि वह बेमुख सन वो मंदे सन, नहीं, ये विच्चों बड़ी एक झलक प्यार दी सच्चाई दी झलकदी हुंदी है। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ कि गुरु मैं गुनाहगार अत भारी। उन्होंने अंदर जाके गुरु की पोजिशन नूं देखिया हुंदा है, और उस निर्मल प्योर पवित्र
सच्चाई दे देश विच गुरु ही ले जाण वाला हुंदा है। इत्थे असीं मात लोक दे विच विशे बकारां दे परे देश दे विच साडी आत्मा उतरी हुई है। अगर कोई कोला हाथ विच फड़ के ये कहे कि मैं कालस नहीं लगन दिंदा गा तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जद हाथ च कोला पकड़िया है जरूर लगती है। ऐसे विशे बकारां दे जंगल दे विचों बचा के लै जाना एक पूरे गुरु की ही वडियाई है। होर तां साडे कोल कोई धन्नवाद करन दा जरिया नहीं। सच्चे दिलों साडी आत्मा चों अपने आप ही आवाज़ निकल पैंदी है कि तू ही सच्चा सुच्चा है, मैं गरीब है। नाम दा धन की ने दिता बई, गुरु ने दिता। अगर गुरु नाम दा धन ना दिंदा तो यह जीव कंगाल ही हुंदा है। गुरु नानक ने कहा कि सारी दुनिया रोगी है, नाम दारू है। उस नाम नू प्राप्त करे बगैर असी मैल दे परे हुंदे हैं, लेकिन नाम सतगुरु ने प्रगट किया हुंदा है, पैदा किया हुंदा है, सानू उही नाम दे नाल जोड़दा है। ये ठंडे दिल ना मसला सोचण वाला है हर सत्संगी नू। फर्ज करो असी किसी जंगल दे अंदर भुल जाने हैं जिथे के साडा कोई अपना नहीं गा, जो भी उत्थे सानू मिलता है अपने स्वार्थ वास्ते ही मिलता है, लेकिन साड़ी कोई रखिया करन वाला नहीं। उत्थे सानू हर पास डर लगता है, मारे मारे फिरदे हैं। अगर उस जगह कोई अपना मिल जाए, वो साड़ी मदद करे, सहारा दे देवे, और उसका कोई अवजाना भी ना मंगता होवे, ठंडे दिल ना सोचो असी उहदा किन्ना धन्नवाद करांगे। वध तो वध तह दिलों धन्नवाद करांगे। इस तरह ये दुनिया भी एक जंगल ही है जिहदे विच असी भुले फिरदे हैं। इत्थे साडा अपना कोई नहीं हुंदा गा। माता प्यार करदी है कि बेटा मेरी मदद करेगा, बुढ़ेपे का सहारा होएगा। बच्चा माँ ना प्यार करता है कि मैनू पालेगी, मैनू दुध पिलाएगी, मैनू पढ़ाई लिखाई कराएगी। औरत पति ना प्यार करती है कि मेरिया जरूरतां पूरियां करेगा। पति प्यार करता है औरत ना कि मेरी जरूरतां पूरियां करेगी। सारे गरज दे बद्दे है। अगर बेगरज प्यार है, तुसीं देखो इत्थे रुलदे फिरदियां नूं जिथे कि कोई सौखा साह ही नहीं किसी नूं आ रहा, उस दुनिया दे विच आके सानू अपना कौन मिलता है? गुरु। कबीर साहब ने कहा, दिल दा महरम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। गरजी दुनिया दे विच अगर कोई बेगरज प्यार है तो गुरु दा है। जेड़ा सवाए भजन सिमरन तो सेवक तो होर कोई दुनियावी आशा नहीं रखता गा। हुण तुसीं सोच के देख लो कि धन्नवाद असी उहदा कर सकते हैं। यही कर सकते हैं कि असी रुलदे फिरदे सी, साडी कोई बात नहीं पुछदा सीगा, तू ही आके साडी बाह फड़ी, तू ही सानू दुखी संसार दे विचों कढ़िया। होर कोई जरिया ही नहीं हुंदा गा गुरु का धन्नवाद करन दा। यही जरिया है कि आत्मा दे अंदरों सुते सीधी आवाज़ निकलती है। ये एक सच्चाई हुंदी है कि मैं तो ये सी और तू सचखंड दे वासी ने, मेरे ते रहमत की, मैं हुण तेरा किवें शुकराना करां। कबीर साहब कहिंदे है कि गुरु का जो असली चढ़ावा है, चढ़न वाला वह सतनाम ही है, परमात्मा ही है, वह उहदा अपना है। तो कहन लगे साडे दिल च हमेशा ही ये हबश लगी रही, प्यार लग्या रहा कि केड़ी वस्तु है जिहड़ी गुरु नूं चढ़ाईए। फिर उन्होंने कहा कि अपना आप वारना ही गुरु का चढ़ावा है। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो साड़ी वो किसी भी वस्तु का गुरु आशा नहीं रखता गा। वो अपने खर्चे वास्ते सेवक की सूई तक लेके खुश नहीं हुंदा गा। अगर वो खुश है तो भजन सिमरन ही सेवक का लेके खुश है। वो कहिंदा लियाओ भजन करके। सारे संतां ने यही कुछ ही किया। मैं किसी की निंदा या आलोचना ना अज तक की है, ना करनी है, ना मैं अपने सेवकों ही यह उपदेश देता है, क्योंकि निंदा किसी की करनी अपने भजन नू खराब करना है, अपनी आत्मा नू दागी करना हुंदा है।
लेकिन ये मैं दसदा हुंना कि हिंदुस्तान दियां बहुत सारियां समाजां दे अंदर मठां अंदर मैं गया सी प्यार नाल श्रद्धा नाल भरोसा लेके, लेकिन सब थां थ्योरी समझा रहे सी, जवानी जमा खर्च सी, अगर थोड़ा बहुता रस्ता चलाया तो बाबा बिशन दास ने ही चलाया या महाराज सावन सिंह ने आस बनाई कि वक्त आउण तो सेवा ली जाएगी। अज हुण मैं बाबा बिशन दास दा क्यों धन्नवाद करदा हां, मैं दसदा हुंना कि यह जिंदगी दी नीम डालन वाला बाबा बिशन दास ही सी, जिहदे के दो शब्द प्रैक्टिकल सी, वह दो शब्द का ही भेद दिता। सिर्फ मैं ही उहदा इक चेला सीगा, बाकी उहने चेले नहीं बनाए सीगे। उह कहिंदा सी जद मेरे कोले पूरा रस्ता नहीं गा मैं क्यों होर किसी नूं बनावां। जब मैं बाबा बिशन दास नूं महाराज सावन दे पास लैके गया सीगा, उत्थे बातां बातां दे विच बातां चलियां। एक मुसलमान फकीर कहण लग्या कि तुसी एक जन्म विच फरीदकोट दे बादशाह सी, फरीदकोट स्टेट पंजाब दे अंदर सी। महाराज सावन कहण लगे कि हाँ, मैं कई जन्मां दे विच बड़ी गरीबी भी देखी है। हुण तुसी खुद सोच के देखदे हो, जो अंदर परमात्मा नाल मिल जांदे है महात्मा, उन्हां नूं अनेकां ही जन्मां दा ज्ञान हुंदा है, उन्हां नूं पता हुंदा है कि किन्नियां जामयां दे विच गरीबी देखी, किन्नियां च अमीरी देखी, किन्नियां पत्नियां बनाईयां, किन्नियां दे असीं पत्नियां बने, किन्ने बच्चे बनाए, किन्नियां दे असीं बने, लेकिन हमेशा ही उह भरे बाजार छड्डदे गए, अगे बनाउंदे गए, किसी ने अज तक साथ ना दिता। हुण जिसने सानूं इस कष्ट दे विचों सानूं कढ दिता, जमण मरण तो उपर लिया, सचखंड वह धन नाम का सानू दिता कि जेड़ा एक जिंदगी की रोजी रोटी सी, जिन्हों प्राप्त करके सानू ना जमण का दुख, ना मरण का दुख, ना ये धन जान का कोई कष्ट, क्योंकि ये नाम के धन चोर चरा नहीं सकता गा, पानी डबो नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती गी, ये अखुट धन है। हुण उस गुरु का की धन्नवाद किया जाए कि जिसने सानू एडी उची दौलत दिती। इस तरह अगर जे तुसी अजैब दियां अखां दे नाल, अजैब दी आत्मा दे नाल देखो, तो पता नहीं इहदों वध किन्ने क कष्ट सहारे होणगे पिछले जामियां दे अंदर। अगर इस जामे दे भी कष्ट बयान करिए, कोई थोड़े जे हुंदे कष्ट हैगे है, अगर असी मन लईए तो उस कृपाल का की धन्नवाद करा कि जिन्हें कंत पकड़ हो की नी राणी, जिन्हें रुलदी फिरदी एक पंगल नू झाड़ू देने वाली नू आपके महल के सचखंड विछड़ के राणी बना बना दिता। हुण उहदा होर उहदे अगे खड़ के की ये कहीए कि असी बादशाह हैं, असी बड़े उच्चे हैं, साडे वर्गा कौन है। मैं तू दी उस मुल्क की सचखंड की भाषा नहीं, उत्थे ता तू तो करना पैंदा है, अपनी हस्ती खत्म करनी पैंदी है, उत्थे मालक दे ही बन के असी मालक कोले जा सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, राह खुदा पी हावला वालों दसे पाए, मन तो हाथी हो रहा निकसया क्यों कर जाए। कहन लगे परमात्मा नूं जिस रस्ते विच दी असी मिल के जाना है, लंघ के जाना है, वो वाल तो दसवें हिस्से का है, मन हाथी बनया बैठा है, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मैं आलम है, मैं फाजिल है, मैं तनी है, ये हुण किस तरह देवी दी निकले, इन उन्ना ही बरीक होण दी लोड़ है जिन्ना कि रस्ता बरीक है। सो सब नूं उभार प्रगट करन दा, निम्रता पैदा करन दा यही एक तरीका है कि असी अंदर जाइए। अंदर जाए तो बगैर साढ़े अंदर सच्ची निम्रता नहीं आती गी, क्योंकि अगर असी बगैर अंदर गया मालक नूं मिले निम्रता धारण करते हैं, वह विखावे की है, पता नहीं साढ़े अंदर कद हंकार ने पैदा हो जाना है। बाहरली निम्रता दुनिया नूं एक धोखा देने दे बराबर हुंदी है। बहुत प्रेमियों नूं पता है कि महाराज कृपाल दे उदाले हिंदुस्तान दी पार्लीमेंट दे ला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो लेके सारे ही
उन्होंने उदाले घूमते सन, उन्होंने आदर करते सन, वो मिनिस्टर सारे उन्होंने पास आते सन, नेक सलाह लेंदे सन। लेकिन वो दयाल किदे ते होया जिसने गरीबी धारण की हुई सी राजस्थान के अंदर, वो खुद चल के गया, बिना बुलाया ही चल के गया, कोई मालक दे बैठने वास्ते जगह बनावे, अपनी आत्मा नाल उस मालक नू गुरु परमात्मा नू आवाज़ लगावे, बाहरों निमंत्रण देण दी सद्दे देण दी जरूरत नहीं हुंदी गी, अंदरों बुलावे कोई वह फौर ना मिलता है, बेशक तुहाडा मकान बंद होवे, चक्खड़ वगदा होवे, भावें तुसीं सत समुंदरां तों पार हो, जिथे याद करोगे वो उत्थे ही तुहाडे कोले होएगा, बगैर प्रेम प्यार तो निम्रता तो वह रहिंदा तां पहलां भी कोले है, लेकिन वह प्रगट नहीं हुंदा। परमात्मा कृपाल दे जीवन काल का वाकया है, मैं पंजाब गया, पिंड टवाली दे अंदर एक साधु ने जल धारा किया, उस दिन आखिरी टाइम सीगा, कई गांव कट्ठे होए सन और उहदे होम वगैरह कर रहे सन। मैं भी इस तरह के कर्म कांड किए हन, मेरे दिल च ख्याल आया कि चलो इथों दे रस्ते भी लंघते हैं, बाबे दे दर्शन कर चलिए, बाबे दा इस तरह मंजा डठा होया सीगा, जिवें हुण संगत बैठी है इस तरह संगत उहदे आसे पासे बैठी सीगी। जद मैं उहदे कोल पास जाण तो कुछ कदम पिछे सी, तो बाबा तिवक के लग गया कहण, कहे भाई मंजा लियाओ, कुर्सी लियाओ या कोई कपड़ा लियाओ, और जिहड़ा आ रहा उहदे पिछे कोई आदमी मैनूं दिस रहा है, बड़ा शक्तिशाली आदमी है, चिट्टे कपड़े है, चिट्टी दाढ़ी है, मोटी मोटी अख आ उसकी। जद मैनूं मंजे ते बिठाउण लगे, मैं सत्कार वजो उसनूं कहा, नहीं बाबा जी असीं थल्ले ही ठीक हो, आपने बड़ा कष्ट उठाया है, जल धारा किया है, पर बाबे नूं शांति ना आवे, आखिर मेरे थले कपड़े तो मैनू बगैर तो बैठन ही ना दिता। कह लग्या पले पले कहे मैनू दिस रहा है, तेरे उत्ते खड़ा है, मैं उतों देख रहा सीगा, तेरे पिछे आ रहा है, हुण तुसी देख सकते हो, पता नहीं कित्थे वो हजूर कृपाल सत्संग दे रहा हो, पता नहीं किहदे नाल इंटरव्यू कर रहा होगा, पता नहीं किहदे नाल वो मिलनी कर रहा होगा, लेकिन पंजाब दे अंदर जिहड़ा थोड़ी बहुती कमाई करता सी साधु उदासी, उसनू वो किस तरह दिस गया, नहीं गुरु हमेशा नाल रहिंदा है सेवक दे, जिन्हां दा थोड़ा बहुता मन टिकिया हुंदा है वो देख लेंदे है कि इहदे पिछे कौन खड़ा है। ऐसे वाके कई दफा सत्संग च भी हो जाते हैं, कई प्रेमी इस चीज़ की अगवाही देंदे है कि तुहाडे सिर ते असी दो ताकतां देखियां। और वैनकूवर की मैं दसदा हुंदा है कि उत्थे बाबा बिशनदास भी देखिया, हालांकि बाबा बिशनदास का मैं सरूप कदे बयान नहीं किया कि उन्होंने किहे जी बाडी सी, ना उन्होंने कोई पिक्चर ही है, लेकिन जैसा बाबा बिशनदास साफा बनते सीगे, उस प्रेमी ने वैसा ही जिक्र किया कि दो नूं मैं पछाणदा सी, तीजा पछाण विच नहीं आया गा। तो यह कहण दा भाव मेरा ये कि उस गुरु दे अगे कि असी ये कहिंदे शोभा पाउने हैं कि असी तैथों उच्चे हैं, सतनाम ओहदा, सचखंड ओहदा, उस सेवक नूं शांति देण वाला वो किहड़ी चीज़ है जिहदे विच गुरु नहीं। असी तो धरती भी गुरु की समझते हैं, आकाश भी गुरु का समझते हैं, पानी भी गुरु का समझते हैं, साह भी गुरु का समझते हैं, हुण इस वास्ते जब सब कुछ देने वाला ही वो है तो उहदे अगे निम्रता ही बनती है, निम्रता नाल ही असी फायदा उठा सकते हैं। गुरु पवित्र हस्ती नूं कहिंदे हैं, उन्हें अच्छी तरह अपने मन नाल संघर्ष करके मन इंद्रियां ते काबू पाया हुंदा है, वो इन्हां चीज़ां का गुलाम नहीं हुंदा गा, वो आप उन्हें मुक्ति प्राप्त की है, पढ़िया पढ़ा सकता है, उ आपके सेवकों मुक्ति दिलाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया,
कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। हालांकि आपने बड़ी सेवा कीती सी गुरु दी, कुल मालक समझ के उन्हां दी सेवा कीती सब कुछ ही, फिर भी कहिंदे असीं कुछ नहीं कीता, तेरी शरण च आए हैं, तू शरण पिया दी लाज रख। ससंगी दे तां शब्द रूप के होके अंदर बैठा हुंदा है, तनो मनो ससंगी दी इच्छा भी हुंदी है, मैं अपने गुरुदेव नूं प्रगट करां, लेकिन उह तां चोरां कामियां नूं भी जाके दर्शन दे दिंदा है। महाराज सावण सिंह दा बड़ा लड़का बचिंत सिंह सी, उह न्यारा सीगा, उहदे बौल्द कढ़न वास्ते चोर आउंदे सन। जद उहनां ने आउणा, अगे एक बुढ़ा उहनां नूं नज़र दे विच आउंदा, वह बिल्कुल तैयार प्रत्यार हुंदा सीगा, क्यों भाई किवें आए हो, वह मुड़ जाते। तीन चार दिन ऐसा ही हुंदा रहा, आखिर सरदार बचिंत सिंह महाराज सावण सिंह दे लड़के ते गए, उन्होंने चोरों ने खुद कहा भाई सानू तीन दिन हो गए कोशिश करदे हन, एक बुढ़ा हमेशा ही तैयार मिलता तेरे बलदां दे कोले, असीं खोल नहीं सकते गे। और बचिंत सिंह ने दसिया भाई वह ये संती हैं, दुनियावी तौर पर साढ़े पिता लगते हैं। आखिर उन्होंने सावण सिंह महाराज तो नामदान प्राप्त किया, सो वो तो भैड़े इंसानों भी अपना दर्शन दे के अपना बरा बना लेंदा है, ये उहदी मौज है। इस सवाल बारे होर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, कई दिन भी कह लग जा लग सकते हैं, लेकिन ब्रश कावन और करौड़ी की अज शादी हुई है, ये कुछ प्रेमियों वंडना चाहते हैं।